इस दुनिया में कितना गम है, इसके आगे मेरा गम कितना कम है, इसका एहसास मुझे हिंदुस्तानी भाव के शो अनसुनी से पता चला। इस शो का नाम है अनसुनी, तेरी कही मैंने ली, तेरी कही मैंने सुनी, लेकिन भाव तो भाव। तेरा नाम क्या? सुभाष। ये चाटा उतना ही रियल है जितना कि ये शो, जिसमें हिंदुस्तानी भाव पहले ज्ञान फैलते है उसके बाद दंतों की गांठ। बोल पापड़। पापड़ ले जापड़। बोल आटा ले चाटा। पैसा ऐसी चीज है ना, वो अच्छे अच्छे का दिमाग बदल लेता है, क्योंकि जो चीजें गलत होती है ना, वो फिर बिना पैसा देखने के बाद सही लगने लगती है। यहाँ पे भाऊ अपनी बात कर रहा है। इस शो को बनाने का मकसद क्या है पता है? जिनकी जिंदगी ले रही हो वहाँ पे भाऊ सरसों का तेल डालने का काम करेगा। मतलब जो इंसान 4 पुलिस 1 जज के आगे अपनी बात नहीं रख पा रहा है, वो इतने बड़े टेलीविजन पे अपने मरवाने आएगा। ये शो इतना फेक है कि बिग बॉस को शर्म आ जाए। तेरा नाम क्या? सुभाष। क्या हो गया, मार क्यों रहे? औरत को क्या बोला तू? क्या बोला मैं? मारना पता? हाँ। नहीं तो? सीधी तरह से बात कर। नहीं तो? नहीं तो क्या? नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। बुला। पिछले 10 सेकंड में 3 चाटे पड़ चुके। अगर इसकी जगह पे कोई लंगड़ा भी होता ना, तो वो भी खड़े होकर लात चलाने लग जाता अपने आत्मसम्मान में। इन चाटों का साउंड इफेक्ट इतना चटकदार है कि मुझे WWE भी रियल लगने लगा है। समाज में मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? मस्त काम मिलेला है अपन को। कैसा मस्त काम मिलेला है? दूसरों के रंडापो पे पैसा छाप रहा है। सोच रहा है इस दीपावली में 150 तोला सोना कर दूं, संजू बाबा का रिकॉर्ड तोड़ू। मेरे हाथ से मेरी नौकरी भी चली गई और मेरे घर वाले मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं। इतना खर्चा किया शो पे, स्टेज लाइटिंग बैकग्राउंड सोफा, थोड़ा और बजट बढ़ा लेते, थोड़े अच्छे एक्टर ले लेते, इंक्लूडिंग भाऊ। कैसा फिर मारने का आएगा तू? भाई एक नंबर का धोखेबाज है। 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में है पूरे, ठीक है। एक नंबर का चीटर है, कभी फोन करो कभी कुछ करो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है और 100 लड़कियों को धोखा देता है। पहली बात, ये चौधरी जिसके सर पे मसाला है, जिसको जलाए तो भी काम नहीं आएगा, उसने 100 लड़कियों को धोखा दिया। पक्का उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। जिस कोख से तू पैदा हुई उसके पति के साथ तू जो ऐसे नाजायज संबंध बना रही है, देखो शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म? चीनी वाले पापा, माय फेवरेट एपिसोड। समझाया ना उसको, जाता है जो समझदार हो। फिर भी यहाँ पे क्या है, ये लोगों ने ना साला हाथ बांध के रखा है मेरा और मुंह भी। 36 चाटे 36 गाली देने के बाद ये कहता है कि मेरे हाथ और मुंह बांध रखे हैं। अगर हाथ और मुंह खुले होते तो पता नहीं क्या क्या करता। शायद तू मेरे बारे में नहीं जानती, वरना मेरा तरीका है ना समझाने का कुछ और है। टपा डप टपा डप टपा डप। उसके बाद भाव का इंसाफ जाएगा। क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं तुम्हें दुबई लेकर जाऊंगा। हाँ? तुम्हारे लिए 5-star होटल बुक करूंगा। तुम जितनी चाहे उतनी शॉपिंग करना, जितनी चाहे उतना खर्चा कराना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। I told you ना, we have a thing. Okay. So you guys can carry on. उसके बाद भाव ने उच्च ज्ञान पेला, जिसको सुनने के बाद मसले वाली आंटी ने, आप इतना विश्वास दिला रहे हैं और एक उम्मीद दे रहे हैं, तो एक ट्राई और कर लेती हूँ। क्या एक और बच्चा पैदा करना है? नहीं, साउंड तो यही कर रहा है ना। मैंने अनसुनी पूरी देखी है, मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि इसकी सारी घटनाएं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। कहीं सुगर डैडी तो कोई अपनी माँ को नौकरानी बोला है, कोई अपने रिक्शे वाले बाप को रिक्शा वाला नहीं बोला है, कोई अपनी बेटी को सेड्यूस करने के लिए बोल रहा है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तुमको एक नई तबला तोड़ वीडियो में।